दोस्तों, हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं और लगता है कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ खाई और जीवन आराम से जिया, चाहे बीमारी कोई भी हो, बीपी, शुगर, थायराइड। हम भी जी लेंगे, अब तो चीज़ें और एडवांस्ड हैं। 24 घंटे बिजली है, 4G इंटरनेट है और हर चीज़ की डिलीवरी भी होती है। पर हम हमारे पेरेंट्स की तरह पेड़ों पर लटकते हुए बड़े नहीं हुए। स्विमिंग हमने पूल में सीखी, जंगल में हम पहली बार ट्रैकिंग के दौरान गए और खाने बनाने के बारे में हमें बहुत ही कम पता है। इस साल मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो 20s में हैं और थायराइड इश्यूज फेस कर रहे हैं। आइए आज इसको डिटेल में समझते हैं। थायरॉइडिज्म पे काफ़ी समय से वीडियो पेंडिंग है। एक्चुअल में हम लोगों की समझ थोड़ा इसमें पूरी नहीं थी, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा समझ पूरी बना लें, लेकिन लोगों का आग्रह बहुत है तो पहले वीडियो बना रहे हैं, फिर जब कभी हमारी समझ और बढ़ेगी तो हम इस वीडियो को अपडेट करेंगे। तो मैं इसमें तीन बातें करना चाहता हूँ। पहली कुछ बेसिक्स की कि थायरॉइड क्या है, थायरॉइडिज्म क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और दूसरी कि इसका नमक, खासतौर से आयोडाइज नमक से क्या कनेक्शन है, और तीसरी कि हमारे अपने प्रयोग क्या हैं, उनसे हम क्या चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं बेसिक्स की। हमारे शरीर में दो मास्टर ग्लैंड्स होती हैं, एक पिट्यूटरी जो ब्रेन में होती है और दूसरी थायरॉइड जो यहाँ गले में, नेक में होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली थायरॉइड को कंट्रोल करती है और थायरॉइड करीब करीब पूरा शरीर को कंट्रोल करती है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। शरीर के अलावा ये ब्रेन को भी और माइंड को भी कंट्रोल करती है। तो जब थायराइड इधर उधर होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज़म है या हाइपर थायरॉयडिज़म है, तो करीब करीब पूरी बॉडी और पूरा माइंड गड़बड़ाने लगता है। बीपी इधर उधर होता है, वेट इधर उधर होता है, मूड स्विंग होने लगता है, टेम्परेचर इधर उधर होने लगता है, चीज़ें बहुत गड़बड़ होने लगती हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थायरॉइड प्रॉपर काम करे, और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड है कि वो थायरॉइड को रेगुलेट करती रहे। तो पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसको TSH या थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। उसके हिसाब से पता चलता है कि हमारी थायरॉइड अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। तो थायरॉइड बीमारियाँ पुरानी हैं, पहले भी लोगों को होती रही हैं, लेकिन आजकल बहुत बढ़ गई हैं, ख़ास तौर से शहरों में, और वो भी लेडीज़ को, लड़कियों को ये बहुत हो रही है। अभी हाल में एक प्राइवेट कंपनी ने एक सर्वे किया, करीब 33 लाख लोगों का सर्वे, और उनका कंक्लूज़न ये था कि एक तिहाई भारतीयों को थायरॉइडिज़म हो गया, हालांकि ज़्यादातर लोगों को अभी सब क्लिनिकल स्टेट में है। अब थोड़ा मुझे डाउट भी होता है इस सर्वे पे, क्योंकि सर्वे करने वाली कंपनी खुद एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, और हो सकता है कि एक मार्केटिंग गिमिक हो और वो अल्टीमेटली ये कहना चाहती हो कि हर भारतीय को हर साल थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, तो ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ये तो है, हमें दिखाई दे रहा आसपास कि थायराइडिज़म बहुत लोगों को हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके नमक के कनेक्शन की। तो क्या है कि तीन हार्मोन हैं जो हमारी थायराइड फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं या थायराइड से लिंक्ड हैं। पहला, जैसे मैंने बताया था, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है और ये थायराइड को डायरेक्ट करती है कि कितना उसको एक्ट करना है। जो दूसरे दो हार्मोन हैं T3 और T4, ये थायराइड खुद निकालती है और ये तमाम फंक्शंस को एडजस्ट करती है। तो जो T4 और T3 हार्मोन हैं, इनको अगर आप केमिकली देखें तो इनके अंदर आयोडीन है, तो इसलिए ये एक समझ बनी थी बहुत पहले कि अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है तो T3 T4 कम होंगे और हाइपोथायरॉयडिज़म हो सकता है, गोइटर हो सकता है, और ये बीमारी रही है पहले में थोड़े से लोगों को। तो जैसे ये समझ बनी तो सरकार ने 1984 में एक कैंपेन चलाया कि लोगों को आयोडीन लेनी चाहिए, और आयोडीन कैसे लें, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आयोडाइज नमक लें। तो प्राइवेट कंपनियों ने आयोडाइज नमक बनाना शुरू किया, सरकार ने बहुत विज्ञापन दिए, बहुत लंबी कैंपेन चली कि सभी लोग आयोडाइज नमक लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इससे, थायरॉयडिज़म ज्यों का त्यों था, बढ़ भी रहा था। तो सरकार को लगा कि शायद लोग बाग ठीक से खा नहीं रहे हैं नमक, तो उन्होंने 1997 में जाके
सादा नमक को बैन ही कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, सबको आयोडाइज नमक ही खाना है। और जब से ये बैन लगा है तब से थायराइडिज्म और बढ़ा है, बल्कि और तेजी से बढ़ा है, और ये आंकड़ा तो आप कह रहा कि एक तिहाई लोगों को हो गया है। तो इस पे अब बात चल रही है कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जो जो चीज़ हम बीमारी हटाने के लिए लगा रहे थे उससे बीमारी क्या बढ़ गई है। तो अब एक्सप्लेनेशन ये आ रही है कि पहले जो थायरॉयडिज्म होता था, हाइपोथायरॉयडिज्म, वो आयोडीन डिफिशियंसी से होता था, और अब जो थायरॉयडिज्म हो रहा है वो ऑटो इम्यून है, और ऑटो इम्यून चीज़ें हो जाती हैं आयोडीन के एक्सेस से। तो पहले हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था आपको आयोडीन की कमी से, अब हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है आयोडीन की एक्सेस से। और भी कारण हो सकते हैं इसके, तो ये एक समस्या खड़ी हो गई है। ऐसा एक स्टडी श्रीलंका में भी हुई है, तो उसका भी आउटकम यही निकला है कि वहाँ भी थायरॉयडिज्म कोई कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही रहा है जब से आयोडाइज नमक लागू हुआ है। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कह रहे हैं कि कम से कम 60% भारत में कोई कमी नहीं है आयोडीन की, और आयोडाइज नमक खा खा के ज़्यादातर लोगों के शरीर में आयोडीन ज़्यादा हो गया है, और इससे कई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो रही हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, और इस पे जो कंपल्सन है आयोडाइज नमक खाने का, इसको बंद किया जाए। लेकिन फ़िलहाल सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, तो हमें अपना ही एक कदम उठाना पड़ेगा। तो मेरी समझ अभी फ़िलहाल ये है कि हमें आयोडीन नमक खाना बंद करना चाहिए। आयोडीन नमक के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें शुद्ध नमक खाना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि शुद्ध नमक में सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है, और सोडियम क्लोराइड हेल्थ के लिए लार्जली डेंजरस है, जबकि अशुद्ध नमक में बहुत सारे थोड़े थोड़े मिनरल्स होते हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट हैं। तो नमक को जो शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं, एक्चुअल में उसके सारे गुण गड़बड़ कर देते हैं। तो शुद्ध नमक से भी बचना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि ज़्यादातर भारतीयों के, और ख़ास तौर से उनके जो पसीना नहीं निकालते हैं और एसी में रहते हैं, उनके शरीर में नमक ही ज़्यादा हो गया है, तो उन्हें तो नमक का ही बायकॉट करना चाहिए। जो लोग एसी में रहते हैं उन्हें ख़ास तौर से नमक का बायकॉट करना चाहिए। तो हम आयोडाइज नमक से बचें, शुद्ध नमक से बचें, और हो सके तो पूरा नमक से ही बचें। और अगर नमक खाना ही है तो मैं ये कहूँगा कि हफ्ते में 2 दिन काला नमक खाएँ, 2 दिन सेंधा नमक खाएँ, और 2 दिन जो जानवरों के लिए अशुद्ध नमक आता है ना, खड़ा नमक, वो खाएं, और 1 दिन बगैर नमक के रहें। तो 1 दिन बगैर नमक के रहने से क्या होगा, आपका थोड़ा आत्मसंयम बढ़ेगा, आपकी ज़रा टेस्ट बड्स खुलेंगी और ज़्यादा ठीक रहेगी हेल्थ। तो 1 दिन बगैर नमक का भी हमें रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अपने प्रयोगों की। तो थायराइड की समस्या को लेके मेरे पास लोग बहुत टाइम से आते रहे हैं, इवन जब सेहतवन नहीं बना था तब भी लोग आते थे, और तब मेरी समझ ये थी कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बॉडी क्लॉक, माइक्रोबायोटा और ओवर सैनिटाइजेशन से है। इन चीज़ों से बॉडी क्लॉक लोगों की गड़बड़ हुई है, माइक्रोबायोटा कमज़ोर हुआ है, और लोग अति स्वच्छता में चले गए हैं। तो मैं लोगों को सलाह देता था कि भाई रात को अंधेरे में रहो, रात को टीवी मत देखो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करो, और दिन में आउटडोर जाओ, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक सन के साथ एडजस्ट हो सके। दूसरा मैं ये कहता था कि पैकेज फूड मत खाओ, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, चाहे वो किसी भी कितनी भी भारतीय कंपनी के हों, लेकिन वो पैकेज फूड ना खाएं, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव है, वो आपका माइक्रोबायोटा ख़राब करते हैं। साबुन वगैरह का इस्तेमाल कम करें, सफाई थोड़ी सी कम कर दें, तो आपकी बॉडी बेटर बैलेंस होगी। थोड़ा स्प्राउट्स वगैरह खाएं, तो लोग ऐसा करते थे और उनको इम्प्रूवमेंट होता था, उनका TSH नॉर्मल आ जाता था 3-4 महीने में, ये फ़र्क होता था। अब कई लोग क्या होता था कि ये करते करते बोर हो जाते थे, फिर वो छोड़ देते थे और वापस फिर दवाइयों पे आ जाते थे। कई लोग ये करते तो थे, एक्शन में तो करते थे, लेकिन अपनी मेंटलिटी चेंज नहीं करते थे, तो उनको और भी कम फर्क पड़ता था। तो ये ऐसा सब चल रहा था प्रयोग। फिर इसके बाद जब सेहतवन बना, तब हमने देखा कि यहाँ आके 1-2 हफ्ते में सभी का थायराइड नॉर्मल हो जाता है, TSH कितना भी बड़ा हो वो ठीक आ जाता है। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा क्या हो रहा है। अब हालांकि हम यहाँ बॉडी क्लॉक पे खासा जोर देते हैं, ज़्यादातर लोग ज़्यादातर टाइम आउटडोर ही रहते हैं, माइक्रोबायोटा स्ट्रॉन्ग करने पे काफ़ी काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक जो मेज़र फ़र्क हुआ है वो स्पेस का हुआ है। अगर आप शहर को देखें तो वहाँ पर स्पेस बहुत डिस्टॉर्टेड है, कंक्रीट सरिया के चौकोर चौकोर टुकड़े बने पड़े हैं, और फिर उनके अंदर क्या है कि बहुत सारा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारे सेलफोन, मोबाइल टावर, वाईफाई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और बहुत सारे अप्लायंस, ये सब मिला के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हमारे अंदर भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है और वो एंडोक्राइन सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो ये डिस्टॉर्टेड शहरी स्पेस है, ये हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, थायरॉइड समेत, डिसओरिएंटेड कर देता है। तो यहाँ आके उनका ओरिएंटेशन वापस आ जाता है और फिर ग्लैंड्स ठीक से काम करने लगती हैं। और हमने ये भी देखा है कि वही लोग जब शहर में वापस जाते हैं तो 4-6 महीने में फिर उनका TSS शूट अप करने लगता है, फिर वो दवाई पे आ जाते हैं। तो फिलहाल मेरा कंक्लूज़न ये है कि शहर में स्पेस इतना गड़बड़ हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से और सन का एक्सपोजर कम होने की वजह से, ताज़ी हवा ना होने की वजह से, कि हमारे बॉडी का पूरा ओरिएंटेशन गड़बड़ हो जाता है। और अभी मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि अगर आप अपना थायराइड फंक्शनिंग प्रॉपर रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जंगल में जाएँ हर साल कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए। तो मैं ये एडवाइज़ करूँगा कि आप छुट्टियों पे जाते होंगे तो किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाने की बजाय, हिस्टोरिकल जगह जाने की बजाय जंगल में जाएं। वहाँ जाने से आपका बॉडी ओरिएंटेशन ठीक होगा और फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम बेहतर होगा और साथ ही कि आयोडाइज नमक से भी बचें।